बिहार के गया में स्थित सेना का ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी बंद हो सकता है। भारतीय सेना ने गया स्थित ओटीए को बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह अपनी क्षमता के अनुरूप कैडेट्स को तैयार करने में अब तक नाकाम रहा है। सेना के इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की भी मंजूरी मिल गई है और जल्द ही ओटीए गया को बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि गया स्थित ओटीए देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमी है। यहां 750 कैडेट्स के प्रशिक्षण की क्षमता है, लेकिन अभी यहां 250 कैडेट्स ही प्रशिक्षण ले रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस ओटीए को बंद करने के बाद यहां के कैडेट्स को देहरादून स्थित आईएमए शिफ्ट कर दिया जाएगा। मालूम हो कि 1976 में तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय जगजीवन बाबू द्वारा गया के पहाड़पुर में सेना सेवा कोर की स्थापना की गई थी और उसे 2011 में यहां से बेंगलुरु शिफ्ट किया गया। सेना सेवा कोर के बेंगलुरु शिफ्ट करने की सूचना पर गया के लोगों ने काफी आंदोलन किया था, जिसके बाद 2011 में ही भारत सरकार ने यहां ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी शुरू करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद तत्कालीन सेनाध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार मंत्री ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद ओटीए में 16 पासिंग आउट परेड हो चुके हैं और यहां से प्रशिक्षण पाए हजारों कैडेट्स सेना में अधिकारी बनकर देश की रक्षा में लगे हुए हैं। वहीं अब इसके बंद होने से लोगों में नाराजगी है। ओटीए बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से विजय कुमार मिट्टू ने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है और नाराजगी जताई है कि देश का तीसरा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बिहार का एकमात्र ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि बिहार का आन बान शान और गया का प्राण है, इसे बिना बंद किए हुए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बड़े कैंपस में फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से सिख रेजिमेंट को ला करके स्थापित किया जाए, जिसके लिए हम लोग आज ही केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को विस्तृत ज्ञापन भेजे हैं और उसमें ये मांग किए हैं कि आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को बंद कर रहे हैं। गया के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है। सबसे पहले सैनिक केंद्र 1976 में देश के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम जी गया के अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को देखते हुए एएससी सेंटर नॉर्थ की स्थापना किए थे। 1976 से लेकर के 2011 तक एएससी सेंटर रहा और उसे एएससी सेंटर नॉर्थ को उठा करके एएससी सेंटर साउथ में मर्ज किया गया। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटोनी साहब ने यहाँ दो बड़े बड़े संस्थाएं दिए, एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और दूसरा डीआरडीओ। उसके बाद आज 8 साल ही हो रहा है ओटीए को गया में रहे हुए, उसे भी अब बंद करने की बातें हो रही है और उसे चेन्नई और देहरादून के ओटीए में मिलाने की बात चल रही है। तो मैं ये केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश के कई शहरों में कई जगहों पर सैनिक केंद्र हैं, लेकिन गया के सैनिक केंद्र को एएससी को हटा करके ओटीए लाया गया, फिर ओटीए को हटा करके अब सिख रेजिमेंट की लाने की बात किया जा रहा है, जबकि गया एक ऐसा शहर है जहां आर्मी का हजारों एकड़ जमीन आज ऐसे ही पर्ती पड़ी हुई है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का जो कैंपस है उसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग के साथ साथ यहां पर सिख रेजिमेंट भी रह सकता है। इसलिए हमारा ये संघर्ष का शंखनाद हो गया है। गया की संघर्षी जनता के साथ हम लोग ये गया से लेकर के दिल्ली के सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को बंद नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय गया की जनता, जय संघर्ष समिति।